पंजाबी अदाकार नीरू बाजवा के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। जी हाँ, नीरू बाजवा के घर जल्द ही नन्ना मेहमान आने वाला है। आपको बता दें कि अदाकार नीरू बाजवा जल्द ही मासी बनने जा रही हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन रुबीना बाजवा जल्द ही माँ बनने वाली हैं। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति गुरबख्श चाहल ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा। इस पोस्ट में रुबीना बाजवा नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने पहले बच्चे का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति ने ये पोस्ट अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गुरबख्श चाहल ने इस पोस्ट में लिखा है कि 2024 वह साल बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। रुबीना माई लव, तुमने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही अगर रुबीना बाजवा के वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना बाजवा ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है और वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती रहती। पंजाबी अदाकार नीरू बाजवा के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। जी हाँ, नीरू बाजवा के घर जल्द ही नन्ना मेहमान आने वाला है। आपको बता दें कि अदाकार नीरू बाजवा जल्द ही मासी बनने जा रही हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन रुबीना बाजवा जल्द ही माँ बनने वाली हैं। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति गुरबख्श चाहल ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा। इस पोस्ट में रुबीना बाजवा नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने पहले बच्चे का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति ने ये पोस्ट अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गुरबख्श चाहल ने इस पोस्ट में लिखा है कि 2024 वह साल बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। रुबीना माई लव, तुमने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही अगर रुबीना बाजवा के वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना बाजवा ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है और वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती रहती हैं। पंजाबी अदाकार नीरू बाजवा के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। जी हाँ, नीरू बाजवा के घर जल्द ही नन्ना मेहमान आने वाला है। आपको बता दें कि अदाकार नीरू बाजवा जल्द ही मासी बनने जा रही हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन रुबीना बाजवा जल्द ही माँ बनने वाली हैं। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति गुरबख्श चाहल ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा। इस पोस्ट में रुबीना बाजवा नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने पहले बच्चे का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति ने ये पोस्ट अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गुरबख्श चाहल ने इस पोस्ट में लिखा है कि 2024 वह साल बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। रुबीना माई लव, तुमने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही अगर रुबीना बाजवा के वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना बाजवा ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है और वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती रहती हैं। पंजाबी अदाकार नीरू बाजवा के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। जी हाँ, नीरू बाजवा के घर जल्द ही नन्ना मेहमान आने वाला है। आपको बता दें कि अदाकार नीरू बाजवा जल्द ही मासी बनने जा रही हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन रुबीना बाजवा जल्द ही माँ बनने वाली हैं। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति गुरबख्श चाहल ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा। इस पोस्ट में रुबीना बाजवा नजर आ रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने पहले बच्चे का जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि रुबीना बाजवा के पति ने ये पोस्ट अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। गुरबख्श चाहल ने इस पोस्ट में लिखा है कि 2024 वह साल बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। रुबीना माई लव, तुमने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके साथ ही अगर रुबीना बाजवा के वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना बाजवा ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है और वे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती रहती हैं।